श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर बिमल जसु जोदायक फलचारी। अर्थात श्री गुरुजी महाराज के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है, मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर आपकी जय हो, तीनों लोकों स्वर्ग लोक भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री राम दूत, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं, आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। अर्थात आप सुनहले रंग सुंदर वस्त्रों कानों में कुंडल और घुंघराले बालों में सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेयू साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है तथा कंधे पर मूंज का जनेयू शोभायमान है। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी वे को आतुर। अर्थात आप प्रकांड विद्या निदान है, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनी बे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री राम के चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं, श्री राम सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरिसिया ही दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता माँ को दिखाया था और बहुत भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया था। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र के उद्देश्यों को सफल बनाने में सहयोग किया। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थात हे पवनसुत, श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे सबसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रोज जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात श्री राम ने आपको ये कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकाधिक ब्रह्माधि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि को विद कही सखे कहाते। अर्थात श्री सनक श्री सनातन श्री सनंत कुमार आदि मुनि ब्रह्मा आदि देवता नारद जी सरस्वती जी शेषनाग जी यमराज कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक कवि विद्वान पंडित या कोई भी आपके यश का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद धीना। अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया
जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके उपदेश का विभीषण ने पूर्णतः पालन किया, इसी कारण लंका के राजा बने, इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लगे, उस हजारों योजन की दूरी पर सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निकल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरच नाही। अर्थात आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को पार किया, परंतु आपके लिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन काम हैं, वे सभी आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को भी प्रवेश नहीं मिल सकता। अर्थात श्री राम कृपा पाने के लिए आपको प्रसन्न करना आवश्यक है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं, उन सभी को आनंद एवं सुख प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं, तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। अर्थात आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता, आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हे पवन पुत्र, आपका महावीर हनुमान जी नाम सुनकर भूत पिशाच आदि दुष्ट आत्माएं पास भी नहीं आ सकती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सब कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में लगा रहता है, उनको सब दुखों से आप दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके सब कार्य को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो, ऐसा जीवन में कोई भी अभिलाषा करे तो उसे तुरंत फल मिल जाता है। जीव जिस फल के विषय में सोच भी नहीं सकता, वह फल मिल जाता है। अर्थात सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात आपका यश चारों युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में फैला हुआ है। संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे श्री राम के दुलारे, आप साधु और संतों तथा सज्जनों की रक्षा करते हैं तथा दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। अर्थात हे हनुमंत लाल जी, आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है, जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियां और नौ निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास वृद्धावस्था और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम रूपी औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपके भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंतकाल रघुवर पुर जाए, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात
अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, फिर किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपका स्मरण करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंधी महासुख होई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थात भगवान शंकर ने ये चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। अर्थात हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए।